सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी मुख्य खबरां दे नाल। भारत भर च मनाया गया आजादी दिहाड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा लाल किले ते 83 मिनट भाषण, कहा सानू देश दी हर भाषा ते माण होना चाहिदा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना च लहराया तिरंगा, कहा आजादी की लड़ाई विच पंजाबियों ने सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां। पंजाब विच आम आदमी क्लिनिका की हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 75 आम आदमी क्लिनिक पंजाब वासियों नूं कीते समर्पित। अमृतसर के एयरपोर्ट से यात्रियों का हंगामा, रात 10:30 बजे फ्लाइट रद्द होने तो नाराज सन यात्री। हुण खबरां विस्थार नाल। अज भारत भर में आजादी दिहाड़े के जश्न मनाए गए। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां ते लाल किले ते 9वीं बार तिरंगा लहराया। इस दौरान उन्होंने 21 तोपां की सलामी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 83 मिनट के भाषण दौरान भ्रिष्टाचार, परिवारवाद, भाषा ते लोकतंत्र का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने गांधी, नेहरू और सावरकर को भी याद किया। नारी शक्ति के सम्मान और उन्होंने गौरव की गल करते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आज असी दो वड्डियां चुनौतियों का सामना कर रहे हाँ, एक भ्रिष्टाचार और दूजा परिवारवाद ज भाई भतीजावाद। उन्होंने कहा कि सानू अपन संस्थावान की ताकत का एहसास करने योग्यता के आधार पर देश को अगे ले जाने परिवारवाद के खिलाफ जागरूकता बधानी पवेगी। उन्होंने कहा कि भ्रिष्टाचार देश को स्योंक वाग खोखला कर रहा है, असी इस दे खिलाफ लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असी देखा है कि कभी कभी साड़ी प्रतिभा भाषा के बंधनों में बच जाती है, एक गुलामी की मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सानू देश की हर भाषा से माण होना चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। लुधियाना स्थित गुरु नानक स्टेडियम विच अज 75वें आजादी दिवस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा लहराया अते सूबा पद्धरी समागम नूं संबोधन किया। इसे दौरान उन्होंने परेड कोलों सलामी भी लई। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शहीदां दीआं कुर्बानियां नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहीदां वल्लों दित्तियां कुर्बानियां सदका ही अज भारतवासी आजादी का निगमान रहे हन। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी की लड़ाई विच सब तो वध कुर्बानियां पंजाबियों ने दित्तियां हन। इस दे चलदियां स्थानक पंजाबी भवन के बाहर मुख्यमंत्री खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कच्चे अध्यापकों उपर पुलिस वालों लाठीचार्ज किए जाने की खबर है। ये प्रदर्शनकारी गुरु नानक स्टेडियम वाल जा रहे सन। जदों मुख्यमंत्री समागम नूं संबोधन कर रहे सन तां पुलिस वालों प्रदर्शनकारियों नूं रोकने की कोशिश की गई। जदों प्रदर्शनकारी ना मने तां पुलिस वालों लाठीचार्ज कर दिता गया। इस दौरान अध्यापकों के सट्टा भी लगियां हन, जबकि कुछ अध्यापकों नूं हिरासत विच भी लिया गया है। उधर दूजे पासे पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज किए जाने तो इनकार किया है। आजादी के 75 साल पूरे होने ते लुधियाना विच तिरंगा लहराउण पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री का अज सोमवार नूं विरोध भी होया। सवेर तो ही पुलिस सड़कां ते सी, क्योंकि उसनूं डर सी कि किते कोई सीएम दे काफले विच अड़िका ना पा देवे। इसे दौरान 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरां अते लाइब्रेरियन फ्रंट दे मैंबरां ने फिरोजपुर रोड ते सीएम भगवंत मान खिलाफ मोर्चा खोल दिता। असिस्टेंट प्रोफेसर अते लाइब्रेरियन फ्रंट दे 200 तों ज़्यादा मैंबरां ने काले झंडे लै के उस थां वल नूं कूच किया जिथे मुख्यमंत्री ने झंडा लहराना सी अते सूबा पद्धरी समागम नूं संबोधन किया सी। पुलिस अधिकारियों ने काले झंडे लै के अगे वध रहे प्रदर्शनकारियों नूं किसी तरह रोक दिता अते इस दौरान प्रदर्शनकारियों अते पुलिस विचाले झड़प भी हो गई। इसे दौरान प्रदर्शन विच शामिल कई महिलावां ने आरोप लगाया कि पुलिस वालियां ने धक्का मुक्की दौरान उन्हां दीआं चुन्नियां भी ला दित्तियां। प्रदर्शनकारियों का कहना सी कि ओह लगातार पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं मिलण दा समां मंग रहे हन, पर उन्हां नूं समां नहीं दित्ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। आजादी दिहाड़े मौके पंजाब वासियों नूं तोहफा दिंदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 75 आम आदमी क्लिनिक लोकां नूं समर्पित कीते। मुख्यमंत्री ने इस दी शुरुआत लुधियाना च आम आदमी क्लिनिक दा उद्घाटन करके कीती। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण पंजाब वासियों नूं मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकां नाल जो वादे कीते सन ओह पूरे कीते जा रहे हन। उन्होंने कहा कि सूबे च सेवा केंद्रां अते डिस्पेंसरियां च आम आदमी क्लिनिक खोले जाणगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों च सिक्ख्या च सुधार होगा ते पेंशनां संबंधी बुजुर्गों दीआं समस्यावां नूं दूर किया जाएगा। जिक्रयोग है कि इन्हां आम आदमी क्लिनिकां विच 41 तरह के टेस्ट
ते सहूलत उपलब्ध होवेगी अते 75 तरह दीयां दवाइयां मरीजां नूं मुफ्त मिलणगियां। ए आम आदमी क्लिनिक रोजाना सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। सेहत विभाग वल्लों इन्हां क्लिनिकां च डॉक्टर अते पैरा मेडिकल स्टाफ दी तैनाती कर दित्ती गई है। भारत ने आजादी की 75वीं वरेगंढ के शुभ दिहाड़े मौके गुआंढी देश पाकिस्तान नूं मठियाई दे के खुशियां सांझियां कीतियां हन। जिक्रयोग है कि अटारी वाघा सरहद ते हल्का हल्का मीह पै रहा सी अते इस सुहावने मौसम विच दोवां देशां दीआं सरहदी फौजां दे अधिकारियां ने निर्धारित समय अनुसार छतरियां दी छां थले मठियाई दा आदान प्रदान किया। इस मौके अटारी सरहद ते तैनात BSF दी 144 बटालियन दे कमांडर जसवीर सिंह ने पाकिस्तान दी वाघा सरहद ते तैनात पाकिस्तान सतलुज रेंजर्स दे लेफ्टिनेंट कर्नल मुहम्मद अमीर नूं 7 डब्बे मठियाई दे भेट किते, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स लेफ्टिनेंट कर्नल मुहम्मद अमीर ने BPSF दे अधिकारियों नूं भारत दे आजादी दिहाड़े दीआं शुभकामनावां दिंदे होए 6 डब्बे मठियाई दे भेट किते। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। अज एक पासे जिथे पूरा देश आजादी दिहाड़े की 75वीं वरेगंढ मना रहा सी, उथे ही श्री आनंदपुर साहब तो मनभागी खबर मिली है। श्री आनंदपुर साहब के SGS खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल विखे चल रहे आजादी समागम दौरान स्काउट कमिश्नर अते स्कूल दे सेवा मुक्त अध्यापक मास्टर हरजीत सिंह अचिन की अचानक दिल की गति रुक जाने कारण मौत हो गई। मिली जानकारी मुताबक आजादी दिहाड़े मौके श्री आनंदपुर साहब दी SGM मैडम मनीषा राणा जदों झंडा लहराउण दी रस्म अदा कर रहे सन तां उदों हरजीत सिंह भी नाल खड़े सन। इस दौरान हरजीत सिंह दी अचानक सेहत खराब हो गई अते समागम दौरान वह अचानक डिग पए। हरजीत सिंह नूं तुरंत उत्थे खड़ी एम्बूलेंस राही स्थानक भाई जाता जी होस्पिटल विखे लिजाया गया, जिथे डॉक्टरां ने हरजीत सिंह नूं मृतक करार दे दिता। जिक्रयोग है कि श्री आनंदपुर साहब च होने वाले बहुते समागमों दौरान तिरंगा झंडा हरजीत सिंह वालों ही पोल ते बनया जांदा सी अते ओ इलाके विच ड्राइंग मास्टर नाल मशहूर सन। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। कपूरथला विच गंदे नाले च डिगे 1.5 साल दे बच्चे अभिलाष दा मृतिक शरीर अज सोमवार नूं 7वें दिन बरामद होया है। जिक्रयोग है कि इस बच्चे दा मृतिक शरीर उसे स्थान ते तैर रहा सी जिथे NDRF अते प्रशासन दी टीम 72 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन विच लगी रही। अज सोमवार नूं बच्चे दा मृतिक शरीर मिलिया तां पीड़ित परिवार दे मैंबरां ने प्रशासन ते लापरवाही दा आरोप लगाया ते धरने ते बैठ गए। परिवार दा कहना है कि बच्चे दी सही तरीके नाल तलाश हुंदी तां इस बच्चे दी जान बच सकदी सी। जिक्रयोग है कि कपूरथला विच लंघी 9 अगस्त नूं दोपहर वेले 1.5 साल का बच्चा अभिलाष गंदे नाले विच डिग गया सी। बच्चे नूं बचाउण लई उसदी मां ने भी नाले विच छाल मार दित्ती सी, पर बच्चे दी मां नूं तां बेसुद हालत विच नाले चों बाहर कढ लिया गया सी, पर बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलिया। अभिलाष नाम का बच्चा अज 7वें दिन मृतिक हालत विच मिलिया है अते कपूरथला प्रशासन भी सवालां दे घेरे विच आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। अमृतसर दे श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते ऐतवार रात 11 बजे यात्रियों ने हंगामा कर दिता। इस कारण रात समय अमृतसर तो अहमदाबाद जान वाली फ्लाइट नु अचानक रद्द कर दिता गया, जिस तो बाद यात्रियों कोल ना तो अगे जाने लई फ्लाइट सी अते ना ही रात दे ठहरन दा कोई प्रबंध सी। अहमदाबाद तो आ रही स्पाइस जेट दी फ्लाइट SG3790 करीब 1 घंटे दी देरी नाल अमृतसर हवाई अड्डे ते उतरी। यही फ्लाइट 3791 बन के रात 10 बजे अमृतसर तो अहमदाबाद दी उड़ान भरती है। यात्री समय सिर हवाई अड्डे ते पहुंच गए अते उन्हां दी चेकिंग भी की गई। स्पाइस जेट दी फ्लाइट रात 10 बज के 23 मिनट ते अमृतसर पहुंची, पर वापसी लई उड़ान नहीं भर सकी। शुरुआत यात्रियों नूं कुछ नहीं दस्या गया, पर बाद विच तकनीकी कारणां दा हवाला दिंदे होए फ्लाइट नूं रद्द कर दिता गया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रवासी टीवी। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैं दे इजाजत, धन्नवाद।